हाय ट्रेडर, आपको ट्रेडिंग एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में ट्रेडर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये बिगनर लोग हैं, ये ट्रेडिंग कैसे चालू कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे चालू कर सकते हैं। और गाइस, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए, मैंने कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा, मैंने क्या क्या सीखा, आज के वीडियो में गाइस मैं आपको यही सब चीज बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए गाइस आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, आपको क्या क्या नॉलेज आना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, आपको क्या क्या पता रहना चाहिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका लॉस बहुत कम हो और प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। चलो गाइस वीडियो चालू करते हैं। तो गाइस पहला चीज, गाइस आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको क्या आना चाहिए। पहला गाइस आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन किसे कहते हैं, प्राइस एक्शन इसे कहते हैं कि ये चार्ट को रीड करना सिखाता है कि कौन सा कैंडल बना। ये देखो ये कैंडल बना, दूधी कैंडल बना, तो ये दूधी कैंडल आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पहला तो आपको एक एक कैंडल के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये कैंडल क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये कैंडल दूधी कैंडल बना तो दूधी कैंडल अपने आप में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसे गाइस हम तो प्राइड एक्शन में सीखती है। तो गाइस आपको पहला क्या सीखना पड़ेगा, प्राइड एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइड एक्शन में गाइस आपको कैंडल का नॉलेज मिलेगा कि कौन सा कैंडल कैसे बनता है। और गाइस प्राइड एक्शन में आपको सीखने को मिलेगा तपोत और रजिस्टेंस किसे कहते हैं, तपोत बनता है तो किते कहते हैं, रजिस्टेंस किते कहते हैं, तपोत का काम क्या रहता है, रजिस्टेंस का काम क्या रहता है। इसके बाद गाइस आपको सीखना पड़ेगा कैंडल का टाइकोलॉजी। ये कैंडल बनता है गाइस, ये आपको कैंडल दिख रहा होगा, ये तब का एक टाइकोलॉजी होता है, मतलब आपको एक टाइकोलॉजी ज्ञान करना पड़ेगा कैंडल के बारे में, कैंडल को रीड करना सीखना पड़ेगा गाइस आपको। ये कैंडल का टाइकोलॉजी है। अभी देखो ये कैंडल बना, ये वाला कैंडल देखो, ये वाला कैंडल देखो, ये वाला कैंडल देखो गाइस, ये वाला, हाँ ये वाला कैंडल देखो आप, कि कैंडल अपने आप में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये वाला, हाँ गाइस ये देखो, ये रहा, ये वाला कैंडल देखो, ये कैंडल अपने आप में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसी गाइस हम तो कैंडल का साइकोलॉजी कहते हैं। तो गाइस आप ये वाला कैंडल को देखोगे, ये वाले कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इस समय इधर पे बायर कमजोर हो गए हैं, टेलर कमजोर हो गए, बायर मजबूत हो गए, ये कैंडल अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे गाइस ये टेलर थे, ये मार्केट को गिराने वाले थे, ये कमजोर हो गए हैं, ये बायर थे, ये कमजोर, ये ताकतवर हो गए हैं। ये कैंडल आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये टेलर थे, ये मार्केट को नीचे गिरा रहे थे, ये यहाँ पे क्या हो गए, कमजोर हो गए हैं। और ये बायर थे गाइस, ये मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले थे, वो क्या बता रहे हैं, ये कैंडल क्या बता रहा है कि यहाँ पे बायर ताकतवर हो गया, बायर यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है, कहते अपने को मालूम चला क्योंकि गाइस कैंडल का साइकोलॉजी अपन ने देखा। तो गाइस इधर आप कैंडल का साइकोलॉजी आपको देखने को मिल रहा है, ये बिग आपको देखने को मिल रहा है, ये बिग थे गाइस हम सबको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे ये टेलर थे, ये कमजोर हो गए, बायर थे, ये ताकतवर हो गए। तो गाइस इतना ही हम सब कैंडल का साइकोलॉजी कहते हैं। तो गाइस आपको कैंडल का साइकोलॉजी भी सीखना पड़ेगा। तो गाइस आप इधर पे देख सकते हो, यहाँ पे एक अत्ता मूव आपको देखने को मिलेगा, इधर आप देखो यहाँ पे एक अत्ता मूव देखने को मिलेगा गाइस, ये आपको तीन कैंडल दिख रहा है, ये तोता मोता मूव नहीं है। आप यहाँ से देखोगे तो ये 500 पॉइंट का मूव है गाइस, आप इधर पे देखो 500 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिला। कहते देखने को मिला आपको गाइस, कैंडल का साइकोलॉजी पता होगा तो गाइस आप अत्ता मूव गैन करके निकलोगे, आप अत्ता मूव का पता लगा पाओगे कि कैंडल के साइकोलॉजी आपको टिकना बहुत जरूरी है। आप कैंडल का साइकोलॉजी नहीं टिकोगे तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। तो गाइस मैंने आपको अभी तीन टिक बता दिया कि क्या क्या टिकना है। पहला प्राइड एक्टन टिकना है, दूसरा तपोत और रजिस्टन टिकना है, तीसरा गाइस आपको कैंडल का साइकोलॉजी टिकना है कि कैंडल का साइकोलॉजी कैंडल क्या बताना चाहता है। तो गाइस मेन चीज क्या है, कैंडल का साइकोलॉजी है और गाइस सपोर्ट और रजिस्टेंस है। और गाइस इसके बाद आपको ये टूल देख रहे हो, फिबोनाची का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए कि फिबोनाची का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। फिबोनाची भी आपको सीखना है कि फिबोनाची क्या बताता है। फिबोनाची ये टूल है गाइस, ये फिबोनाची टूल भी बहुत काम का टूल है, ये टूल भी गाइस बहुत काम देता है ट्रेडिंग करियर में आपके। तो गाइस ये फिबोनाची का काम क्या रहता है, आप हाई से लो तक का मार्ग करोगे तो फिबोनाची एक आपको लेवल देता है, 0.7 का लेवल रहता है गाइस, ये लेवल पे मार्केट एक बार टच होने के बाद एक अत्ता लैली देखने को देता है। तो गाइस आप इधर पे देख सकते हो, मार्केट ने ये लेवल को टच करने के बाद एक अत्ता लैली देखने को दिया। तो गाइस ये टूल का कहते इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको सीखना है ना। इसके बाद गाइस आपको क्या सीखना है, माइंड सेट आपको ट्रेडिंग के लिए बनाना है, क्योंकि गाइस
इतने आप अपने तमाद में अपने तोताइती में देखते हो कि ये तब ट्रेडिंग को बहुत लोग दुआ मानते हैं कि ट्रेडिंग एक दुआ है, एक तत्ता है। तो गाइस आपको माइंडसेट पहले अपना तेंद करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। आपको गाइस ट्रेडिंग को दुआ देता नहीं खेलना, आपको ट्रेडिंग को बिजनेस देता खेलना है। बिजनेस में क्या होता है गाइस, अपन क्या करते हैं, लॉस बहुत कम से कम लेने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट गाइस हम तो बहुत ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। सेम गाइस यही चीज अपने को ट्रेडिंग में भी करना है, अपने को यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा लेना है और गाइस ये अपना टारगेट, अपना ये लॉस रहेगा, ये मार्केट को बहुत कम पैसा देना है। मान लो मैंने 200 का लॉस लिया, मैंने 200 का अपना नुकसान करवाया, तो मेरे को गाइस 500 रुपये का प्रॉफिट होना ही मांगता है। मैं मार्केट को 200 के ज्यादा नहीं दूंगा। और गाइस आपको एक अपने माइंड सेट में एक चीज डिसाइड करना है, आपको एक रूल बना के चलना है। आप एक चीज को अपने जीवन में डाल लो कि मैं ट्रेडिंग करूंगा तो एक दिन में एक ही ट्रेड लूंगा। आप गाइस बिगनर हो तो एक दिन में आपको एक ही ट्रेड लेना है कि एक दिन में आपको एक ही ट्रेड लेना है, आप सबको 500 रुपये का प्रॉफिट लगना है, या गाइस आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट रखना है, या अपने को 200 रुपये का लॉस रखना है। आपको अपना नुकसान मिल जाएगा, आपको अपना लॉस मिल जाएगा 200 रुपये का, तो आप अपना लॉस लेके निकल जाओ। आपको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा, आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। ठीक गाइस, आपको एक नियम बना के चलना है। आपको ये भी चीज याद रखना कि ट्रेडिंग में आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। आपका नियम टूट गया गाइस, आप नियम को फॉलो नहीं करोगे, लॉ को, तो गाइस आप बहुत ट्रेडिंग में अपना नुकसान करवाओगे। अभी गाइस मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको ट्रेडिंग चालू करने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा। पहला आपको पराइट एक्शन सीखना है, दूसरा गाइस आपको तपोत और रजिस्टेंस सीखना है, तीसरा आपको माइंडसेट बनाना है ट्रेडिंग के लिए, चौथा गाइस आपको कैंडल का साइकोलॉजी सीखना है। साइकोलॉजी सीखने के बाद आपको माइंडसेट बनाना है, आपको ट्रेडिंग के लिए पहला माइंडसेट बनाना है, और गाइस आपको अपना साइकोलॉजी पे भी काम करना है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी काम करना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी गाइड आपका लालच हो गया आपका गाइड कि अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है। हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, होल्ड करते करते मार्केट धम्म से नीचे गिर गई। तो गाइड आपको ह्यूमन साइकोलॉजी भी आपको बनाना है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आपको कितना लॉस चाहिए। आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि मैं आज 1000 रुपये का प्रॉफिट लूंगा, 500 रुपये का लॉस लूंगा। ऐसा क्यों गाइड, देखो गाइड कि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा क्या है, समुन्द्र है। तो आप समुन्द्र को तो एक ही बैग पी तो नहीं सकते, आप समुन्द्र के अंदर से कहीं पानी निकाल सकते हो। अपना मटका लेके गए, यहाँ से एक लोटा पानी निकाल के लेके आ जाओ। अब आप सोचोगे कि मैं पूरा समुन्द्र पी दूं पी जाऊं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पूरा समुन्द्र पियोगे तो आप इसमें डूब के मर जाओगे। तो गाइस आपको पूरा समुन्द्र नहीं पीना, आपको कहीं समुन्द्र में का एक थोड़ा सा पानी निकालना है। तो गाइस यही ही तेम तेयर मार्केट है। तो गाइस तेयर मार्केट में आप सोचोगे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, होने दो होने दो होने दो, तो गाइस आप अपना लॉस करके लेके आ जाओगे। तो गाइस आपको एक पहले से ही टारगेट बना के चलना कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, इतना मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, और गाइस यही तब चीज आपको सीखना है। तो गाइस ये तब आपको चीज सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस आपको सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो आप गाइस मत सब्सक्राइब करो, इसको गाइस सीखने का होगा ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इसको नहीं सीखने का होगा ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। चलो गाइस धन्यवाद आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।